आज फिर से हम आ रखे हैं यार कार फैशन पे, जैसे आपको पता है। और आज हमारे पास आ रखी है थार, जो कि है फुल बेस मॉडल है ना भैया वैसे, तो ये आप देख सकते हो 4x4 ऑटोमेटिक है। तो आज इस गाड़ी में क्या क्या काम होने वाला है ये तो आपको बताएंगे। और सबसे पहले अगर आपको कोई भी गाड़ी का काम करवाना होगा भैया के पास आना, मैंने आपको बोर्ड दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन में वगैरह सब आपको दे दूंगा, नंबर वगैरह भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इस गाड़ी में काम होने वाला है जो बताने वाले हैं भैया वो बता दो, अपने थार आई है, मतलब पहली वीडियो अपनी होने वाली है थार पे, और इसकी शॉर्ट्स वगैरह भी मिलेंगी भैया की इंस्टाग्राम पे, आपको लिंक दे दूंगा मैं, आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और भैया बता दो गाड़ी में क्या क्या होने वाला है। इस गाड़ी के अंदर बेसिकली हम शक्ल थोड़ी सी चेंज ही कर रहे हैं इसकी, आगे से ग्रिल चेंज करके रेंगुलर स्टाइल डाल रहे हैं। हाँ। इसके अंदर हेडलाइट भी चेंज कर रहे हैं, इंपोर्टेड रेंगुलर स्टाइल हेडलाइट ही डलने वाली है। ठीक है। इसके अंदर गाड़ी में सीट कवर डलने वाले हैं, पीछे के रिफ्लेक्टर, टेल लाइट, ये सब काम ही होने वाला है इसके अंदर। तो बेसिकली आप जब गाड़ी तैयार होगी देखेंगे तो बहुत चेंज हो चुका होगा सब कुछ, ये स्टीरियो भी चेंज होने वाला है, हेड यूनिट भी चेंज होगा इसका। तो यहाँ पे कितने इंची लगने वाला है इसके अंदर? सर 10.33 इंची लगने वाला है। 10.33, ठीक है। तो इसमें ये काम होने वाला है, और बाकी जो और इंक्लूड होगा, जो भी और ऐड करना हो भैया ने, जो इनकी थार है वो भी आपको बता देंगे। सिनेमैटिक वगैरह मैंने आपको दिखाई दी, अलॉयज भी वगैरह आपको मैंने दिखाए हैं, उसमें अभी लगवाए हैं जशीनों ने। और बाकी कोई भी काम करवाना होगा तो भैया के पास है ना, कोई भी गाड़ी का काम करवाना होगा और मेरी तरफ से कोई आएगा तो भैया आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाकी आप सिनेमैटिक शॉट्स जो नहीं देखे आपने वो इन्जॉय कर लो, बाकी अभी वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का एम लाइक हम 50 का रखते हैं, और देखते हैं कितनी जल्दी करवा पाते हैं। और कोई भी काम कराना हो थार का, कोई गाड़ी का, तो जरूर आना एक बारी। और आपको मैंने बोर्ड दिखाई दिया, और ये मेन रोड है झंडे वाले से, हनुमान जी की मूर्ति से सामने आओगे रोड पे तो आपको इस कार फैशन भैया के पास। सबसे मेन तो म्यूजिक का काम होता है सारा, जो कि अभी एक दो गाड़ी और आ रखी है वो अगर आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी ये स्टार्ट हो गया है काम, इसका कितना टाइम लगेगा वैसे? कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं गाड़ी पूरा काम करने में। तो 2 से 2.5 घंटे, और काम भी जल्दी हो रहा है क्योंकि मैं बाकी जैसे शॉप पे गया हूँ तो उसमें बहुत टाइम लगता था, 7-8 घंटे ले देते हैं वो एक गाड़ी को वो बेस से टॉप जाए, इसमें तो काफी खुलने में और लगाने में टाइम लगता है। तो देखते हैं कितने में काम होता है और क्या क्या काम होता है, कैसा काम होता है, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि भाई अच्छा लगा। और बाकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लोकेशन वगैरह भी, आप आ सकते हो। कुछ बाहर से ऐसा लुक आ रहा है यार, और बाहर की थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा इग्नोर कर देना, मिट्टी हुए हुए में तो वाइट पहना हुआ, सारी गंदी हो जाएगी, कमाल ही होगी। बाकी अलॉयज आप चेक कर सकते हो, इन्होंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही चेंज करवाए हैं। और ये देखो लुक, थोड़ी साइड में आपको साइड लुक दे दूँ, और अभी ग्रिल वगैरह चेंज होगी, बम्पर भी चेंज हो जाएगा, पीछे की ट्रेड लाइन आपको पता है सिंपल सी आती है वो भी चेंज होने वाली है, सीट कवर्स भी चेंज होने वाले हैं, अभी तो नॉर्मल कंपनी वाले लगे हुए हैं। तो बाकी देखते हैं 2-2.5 घंटे में हो ही जाएगा कंप्लीट, और एक दो गाड़ी और आ रखी है उनका शूट भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर थोड़ा ज़्यादा बहुत होगा तो, क्योंकि थोड़ा बहुत ये ज़्यादा नहीं है, सीट्स कवर वगैरह ही हैं, अगर वो होगा तो आपको रील में देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। भाई उतरी हुई भी देख लो कैसी लग रही है, अभी इसमें ना रूबी कॉन वाली पूरी ग्रिल लगने वाली है, और जो हेडलाइट देख रहे हो ये भी रूबी कॉन वाली आई थिंक लगने वाली है। और बाकी सीट कवर इसमें ना जैसे है ना सीट उतारते नहीं है, बाकी गाड़ी में उतारने पड़ते, इसमें ऐसे लग जाता है एज इट इज़, आप बात नहीं ऐसी लग जा रही है इसमें, और बाकी ग्रिल लग जाती फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हेडलाइट और ये इंडिकेटर जो बैक साइड पे होता है अपना, तो ये भी चेंज होने वाले हैं, आपको बताया ही था मैंने। और बस तो गाड़ी हट गई है तो आगे गाड़ी लगा दी हम लोगों ने, तो वो देखो बिल्कुल नए वाले लग जाएंगे। तो एक बार दिखा भी दे दो कौन से वाले हैं, ये रिफ्लेक्टर हाँ, ये रिफ्लेक्टर हो गए जो अपने लगने वाले हैं यहाँ पे, ये हेडलाइट है तो उसमें लगी आती है, ये स्टॉक लाइट है, हाँ दिखाई मैंने, और हम इसमें कस्टमाइज लाइट लगा, चलो ये अभी लगाएंगे ना तभी आपको दिखाऊंगा मैं, और इसकी शॉर्ट्स रील वगैरह भी बनाई है। चलो भाई कह रहे हैं दिखाई देते हैं, तो ये वो जी वाली है जो, हाँ ये जो आजकल चल रही है आपको पता होगा, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो गाड़ी का ना सारा काम कंप्लीट हो चुका है यार, जैसे ही आपको बताऊं, और सबसे पहले भैया से मिलते हैं। भैया जो जो काम हुआ है उसका एक अभी तो पहले जरा दिखाए थे, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत बता देंगे कितने में काम हुआ है, ठीक है? तो बता दीजिए, एक तो अपनों ने एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड और iOS दोनों है जी, तो पहली बात तो कनेक्टेड है, जैसे आपको बताया था हमने। और इसके सीट्स का आपको मैं दिखाता हूँ, ये बैक साइड से आप देख सकते हो, और आगे से भी कुछ ऐसे ही देख सकते हो, और मैट भी सेम वैसे मैचिंग कर रही है जैसे आप देख सकते हो, और बाहर से ना रूबीकॉन वो लगी हुई है ग्रिल, तो और रेंगुलर स्टाइल में अपने हेडलाइट्स वगैरह लगी हुई है। और इसमें क्या हुआ भैया अंदर वाली साइड में? अंदर वाली साइड के अंदर भैया इसके अंदर एक स्टीरियो लगा है, सीट कवर्स लगे हैं और स्टीयरिंग लगा है, स्टीयरिंग आपको मैट्स लगे हैं, ये स्टीयरिंग के मैट्स आपको मैंने दिखाई दिए, और काफी मतलब
ये जब आई थी ना तो इसमें इतनी सी छोटी सी स्क्रीन थी, इतनी सी, और अब बिल्कुल बढ़िया लग रही है। तो बढ़ा के लगवाई है उन्होंने, 10.33 इंच की है, बड़ा साइज है, टुकड़ी देती है वो 7 इंच की। चलो ठीक है, अब बाहर से दिखाया था हमने क्या क्या हुआ है, और रिफ्लेक्टर वगैरह भी लगे हुए हैं, तो एक बार बाहर से आपको सब दिखा। तो इसमें क्या है कि रैंगलर की जो ग्रिल है वो लग चुकी है, और इसमें जो हेडलाइट्स लगी रैंगलर की आप देख सकते हो। इसमें ना जब स्टार्ट होती है तो साइड में ब्लू लाइट जलती है, उसके बाद व्हाइट हो जाती है। तो ये वाला जो अपना है अलॉयज वगैरह इन्होंने बाहर से ही लगवाए थे, बाकी ये ग्रिल वगैरह अगर आपको कोई भी लगवानी होगी ग्रिल थार की तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और ये नहीं चेंज करवाया भैया, तो एक बार इसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ जो ब्लू लाइट आती है ना वो दिखाते हैं आपको, और सेम आपको दिखा सकते हैं एज इट इज, दोनों साइड जैसी है, तो ये थोड़ा लुक चेक कर सकते हो। बिल्कुल रेंगुलर वाला लुक दे रही है, और ये जो रेड वाला देख रहे हो आप ये बिल्कुल, तो ये भी देख रहे हैं, तो पीछे वाली आपको मैंने हेडलाइट्स वगैरह दिखाई दी है। तो गाड़ी पूरी हो चुकी है कंप्लीट, सीट कवर मैट वगैरह जो भी सब लग चुके हैं। तो इसको जाते टाइम एक बार जब यहाँ से निकलेंगे भाई और, तो वहाँ से आपको सिनेमैटिक दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छी लग रही है। और अलॉयज ना ऐसे लग रहे हैं जब चलेगी ना तब देखते हैं कि कैसे लगते हैं, क्योंकि रुकने रुक के और चलने में जो लुक आता है ना वो अलग अलग लुक आता है। और बाकी ये थोड़ा सा इसको ऑन करवाते फिर आपको दिखाऊंगा जाते टाइम ही। तो ओवरऑल काम सारा मैंने आपको दिखा ही दिया है, और कैसी लगी वीडियो को कमेंट कर देना यार, और उसके बाद अगर कोई भी काम करवाना होगा तो कार फैशन पे जरूर आना, और मेरे नाम से आओगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा भाई, एक नंबर काम लगा मुझे थार में, मजाक नहीं कर रहा, दिल खुश हो गया।